ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड, आपके खुशियों से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सबको सॉल्व कर देगी। और ये कहानी बेसिकली आपको खुश रहना सिखा देगी। ट्रस्ट मी, जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरा माइंड खुल गया था, मेरा दिमाग खुल गया था कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ एक टीचर आते हैं और बहुत सारे बच्चों को एक एक बलून देते हैं और बोलते हैं कि बलून फुलाओ और उसमें अपना नाम लिख दो। तो बच्चे वैसा ही करते हैं। नाम लिखने के बाद टीचर बोलते हैं कि अब बलून्स को, उन गुब्बारों को हवा में छोड़ दो। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों के पास एक मिनट का टाइम है, अपना अपना बलून जल्दी से फाइंड कर लो। अगर अपने नाम का बलून जल्दी से फाइंड कर लोगे और जो सबसे पहले फाइंड कर लेगा तो वो विनर बन जाएगा। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जब बलून को उड़ाने के बाद बहुत सारे बच्चे अपना अपने नाम का बलून खोजने लगते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने नाम का बलून नहीं मिलता। तब टीचर फिर बोलते हैं कि दोबारा उस बलून को उड़ाओ और उसके बाद जिसको जो भी बलून मिलता है, जिसके नाम का भी बलून मिलता है, वो उस बंदे को ले आकर दे दो, उस बच्चे को ले आकर दे दो। तो जब ऐसा बोलते हैं तो 30 सेकंड में सबके हाथ में उनके नाम का बलून होता है। तब टीचर उन्हें सबसे ग्रेट लेसन बताते हैं कि सोचो कि ये जो गुब्बारे हैं ये खुशियां हैं, और उन गुब्बारों पे जो लिखा हुआ नाम है वो तुम्हारी खुशियां हैं। तो जब तुम अपनी खुशी को ढूंढते हो, अपनी खुशी को तलाश करते हो, तो वो तुम्हें नहीं मिलती। लेकिन जब तुम्हें दूसरे को खुशी देते हो, जब तुम दूसरे को खुश करने के लिए तैयार रहते हो, तब तुम्हें अपनी खुशी भी मिल जाती है। सोचिए ये कितना ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन है। लेकिन आजकल की दुनिया में हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी खुशी ढूंढने में रहते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी खुशी तलाश करने में रहते हैं, और हम लोगों को अपने से मतलब होता है, अपनी खुशियों से मतलब होता है। और इसी वजह से आजकल की दुनिया में साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डिप्रेशन के शिकार आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं, और सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं, सैड हैं, अलोन हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। जबकि खुशी होने का और हैप्पीनेस का असली राज है कि हम लोग दूसरों को उनकी खुशियाँ दें, इससे हमारी खुशी हमारे पास जल्दी आ जाएगी, हम लोगों को ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। और सोचिए जब हम लोग दूसरों की मदद करते हैं तो क्या हम लोगों को खुशी नहीं मिलती? मिलती है, और रियल हैप्पीनेस तो उसी में मिलती है जब हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए एफर्ट करते हैं। तो अगर आज से हम लोग खुश रहना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग दूसरों की खुशियों में योगदान दें, दूसरों की खुशियों में अपना वक्त, अपना टाइम, अपना एफर्ट डोनेट करें, ताकि हमें भी खुशियाँ मिल सकें, हमें भी हैप्पीनेस मिल सकें, और हम लोग एक सेटिस्फाइड लाइफ, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जी सकें। सो दिस इज़ इट, एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा ये स्टोरी, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।